जम्मू कश्मीर सरकार ने यूनियन टेरिटरी दिन मनाया है गवर्नर साहब, हम उस यूनियन टेरिटरी की कॉपी स्कोर जो दिन मनाया गया है उसको चला रहे हैं। महाराजा हरि सिंह जी ने जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक किया था वो वाली रियासत वो वापिस चाहते हैं। और हम ये पूछना चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बदलना चाहते हैं और आपने हमारी डोगरा रियासत को धोखा दे रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, आपने यूटी दिन नहीं, आपने फ्रूटी दिन मनाया है, क्योंकि मंदिरों के शहर को आपने शराबियों का शहर बना दिया और कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। स्मार्ट मीटर थोप दिए, प्रॉपर्टी टैक्स थोप दिया, दरबार मूव बंद कर दिया, बेरोजगारी बढ़ गई, कारोबार ठप हो गए, नौकरियां चली गई। जम्मू कश्मीर इज ऑन ग्रैंड सेल। इसलिए हम ये चेतावनी देते हैं, बहिष्कार कर रहे हैं कि ये यूनियन टेरिटरी दिन जो आपने मनाया है उसको हम सभी के सभी हाथ खड़े करके विरोध कर रहे हैं और ये भी मांग करते हैं कि आप जल्द से जल्द दरबार मूव शुरू करें। सारा केस कोर्ट में अभी चल रहा है, 35 ए का, तो किस तरह से यूटी डे, वही तो हम पूछ रहे हैं। हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब से ये कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बेंच से ये कहेंगे कि हम सारे पटिशनर हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हमारी रियासत का दर्जा, महाराजा जी ने जिस शर्तों के ऊपर इल्हाक भारत के साथ किया था, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित, बल्टिस्तान का, वो इल्हाक वाली शर्तें और वो रियासत हमको दी जाए। और हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी कहेंगे कि इनके ऊपर कंटेप्ट लगाई जाए, जिन कमिश्नर्स ने और आईएएस ऑफिसर्स ने ये यूनियन टेरिटरी दिन मनाया है, क्योंकि हम तो सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ये केस चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी साजिश करके, षड्यंत्र करके ये जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी, इतिहास, आइडेंटिटी, डोगरा रियासत को धोखा देना चाहती है। कारोबार में इतनी मंदी है हमारी स्टेट जम्मू में कि पूछिए मत। हर कोई वो ओपनली नहीं बोल रहा है, शरेआम नहीं बोलना चाह रहा है, लेकिन अंदर से बिजनेस बिल्कुल लोगों का ठप पड़ा हुआ है। दिखा रहे हैं पेपरों में कि आज दिवाली आ रही है, हम ये इतना का प्रॉफिट हो रहा है, इतना नफा हो रहा है, ये हो रहा है, 20,000 लोगों की बिजनेस में तबाही हो चुकी है। और हम इसके साथ साथ ना तो जम्मू में कोई टूरिस्ट आ रहा है, ना कोई काम काज निकल रहा है, यहाँ पे कोई कारोबार नहीं है। सब लोग, हम लोग सब बिजनेस वाले हैं, लेकिन हम लोग फ्री बैठे हुए हैं, कारोबार हम फ्री बैठे हुए हैं। इन्होंने दरबार मुंह बंद करके सारे व्यापारियों का कारोबार ठप कर दिया और साथ में हमारे ऊपर लगा दिए लगान, जजिए, स्मार्ट मीटर, रियासत वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो, 370 वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो, जम्मू कश्मीर सरकार, हाय हाय।